आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी कोर्स ए जो हमने कंटिन्यू की हुई है बुक क्षितिज भाग 2 उसका गद्य खंड स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हमने काव्य खंड इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो यानी कि काव्य खंड हमारा जो है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं हम गद्य खंड की, जिसमें आज हम उसका पार्ट नंबर 10वां कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। और ये किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, स्वयं प्रकाश। तो ईजी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे और इसकी हम आज के इस वीडियो में व्याख्या या फिर इसका पार्ट का हम सार जो आप इसे कह सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगन विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम इनके राइटर का जो है परिचय जान लेते हैं। यहाँ पर कवि नहीं लेखक परिचय आएगा, गलती होगी मेरे से, यहाँ पर लेखक आएगा क्योंकि ये लेखक है। इनके सबसे पहले हम इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। इनकी नौकरी का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में बीता। स्वैच्छिक सेनावृत्ति के बाद फिलहाल वे भोपाल में रहते हुए वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। आएगा यहाँ पर है नहीं आया क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है, तो यहाँ पर थे आएगा। साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। उनकी रचनाओं में वर्ग शोषण, जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव, विरोध, विद्रोह का स्वर है। इनकी 13 कहानियाँ संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। और इनकी जो है मृत्यु मैं बताऊं कब हुई थी, 2019 में हुई थी। इनकी मृत्यु है 2019 में हुई थी, स्थान मुझे पता नहीं, मैं आपको बता दूं इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 2019 में हुई थी। तो यानी कि अभी ये इस दुनिया में नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हैं इनके राइटर परिचय में। अब इनके कहानी के बारे में जानते हैं। तो नेताजी का चश्मा जो है कहानी, ये देशभक्ति की कहानी है। नेताजी का चश्मा कहानी देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले के बारे में है। यह कहानी देश के नागरिकों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाने के में सहायक है। यह कहानी चश्मे वाले के माध्यम से उन देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है जो अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने तरीके से देश प्रेम करते हैं। ये कि वो क्या करते हैं, भले किस तरीके से वो देश को प्यार करें लेकिन वो देश प्रेमी हैं। बड़ों के साथ हमारी भावी पीढ़ी का भी योगदान इसमें कम नहीं है। जरूरी नहीं है कि बड़े ही सारे देशभक्ति हैं भक्त हैं और छोटे भी सारे हों, आधे तो हैं उनमें, क्योंकि छोटी पीढ़ी भी देशभक्ति को जानती है कि वो क्या होता है क्या नहीं। तो इस कहानी में मुख्य आपको जो है कैरेक्टर्स मिलेंगे, एक आपको मिलेगा हालदार साहब, ठीक है, जो कि एक आपको बता दूं कंपनी में काम करते हैं। एक हमारा कैप्टन चश्मे वाला जो कि जिसकी चश्मे की दुकान है। एक आपको पान वाले का इसमें मत मिलेगा और एक आपको मिलेगा ड्राइंग मास्टर का नाम, जिनका नाम हम इसमें पढ़ेंगे वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। चार और एक आपका कैरेक्टर और इसमें आएगा, यानी कि 5 से 6 कैरेक्टर आपके स्टोरी में आएंगे, बाकी हम डिस्कस करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम में से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, मतलब ये भी मेन कैरेक्टर ही की तरह ही हैं। हालदार साहब को क्या करना होता था, हर 15वें दिन कंपनी के लिए एक कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक कारखाना, वो कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें एक कारखाना था, एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था, एक कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा, एक कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगरपालिका थी। अब नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, यानी कि थी तो यानी कि वो कुछ कार्य वगैरह करती ही रहती थी। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बारी मुख्य इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड ने या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमर की प्रतिभा लगा दी। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, जो हमारे उत्साही बोर्ड के नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या फिर प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, मुख्य बाज़ार था क्योंकि मुख्य बाज़ार से उन्हें जाना होता था लालदार साहब को, तो वहाँ पर क्या कर दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमर की प्रतिभा यानी कि उनकी एक मूर्ति लगवा दी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे पढ़ोगे तो समझ जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक मूर्ति लगवा दी, ठीक है भाई। मूर्ति को देखकर लगता था कि समय और बजट की कमी के कारण किसी स्थानीय कलाकार से वह बनवाई गई थी, ठीक है। तो यानी कि वो क्या, अब वो ठीक है, तो ऐसा लग मूर्ति को ऐसा देखकर लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि इसकी इस ये मूर्ति कम बजट से बनाई गई, इसमें बजट इस मूर्ति को बनाने में बजट की कमी हो गई होगी और या फिर इसे किसी स्थानीय नहीं है, यानी कि उसी स्थान के किसी कलाकार से बनवाई गई थी,
ठीक है भाई। 2 फुट ऊंची वह मूर्ति कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने 1 महीने में बनवाकर लगवा दी थी, क्योंकि वो मूर्ति का काम किसको सौंपा गया था, मोतीलाल जी को, जो कि एक ड्राइंग मास्टर थे। 2 फुट ऊंची जो मूर्ति थी वो कस्बे का हाई स्कूल था, उनके ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने 1 महीने में उसे क्या कर दिया था, बनवाकर लगवा दिया था, उसे काम सौंपा गया था। मूर्ति सुंदर थी, लेकिन मूर्ति तो सुंदर थी, केवल एक चीज़ की कसर थी, उसमें क्या थी, एक चीज़ की कमी थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा अपनी फ़ोटो में चश्मा लगा कर रखते, लेकिन उस मूर्ति पर कैद नहीं था, चश्मा नहीं था, एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो क्या हुआ, अब उस मूर्ति तो बना दी गई है ना, मूर्ति तो कम बजट में जैसा बनना था बना दी, तो अब उस मूर्ति पर क्या नहीं था, चश्मा नहीं था, अब मूर्ति पर चश्मा नहीं था तो यानी कि मूर्ति पे क्या कर दिया गया, एक रियल यानी कि क्या हो गया, चौड़ा काला फ्रेम का असली चश्मा लगा दिया गया, चौड़े काले फ्रेम का, यानी कि चौड़ा और काले नाम काला फ्रेम था वो चश्मा लगा दिया, उसको पहना दिया गया। हालदार ने जब पहली बार ऐसा चश्मा देखा तो चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, पहली बार देखे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुए, हंसे, ठीक है थोड़ा सा, और कस्बे वालों की देशभक्ति की भावना उन्हें अच्छी लगी, मुस्कराए और उन्हें वो देशभक्ति की जो भावना थी जो उस कस्बे की थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। उसके बाद चश्मे का बदलते रहना, हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे, चश्मे का बदलते रहना, ठीक है, चश्मे का बदलते रहना, हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे, यानी कि जब दूसरी बार गए तो फिर चश्मा बदल दिया, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मे का फ्रेम बदला गया, मूर्ति पर चश्मे का फ्रेम बदल गया। तीसरी बार फिर उन्होंने फ्रेम बदला देखा, फिर उन्होंने जब तीसरी बार गुजरे तो वो फिर उनका उसका फ्रेम बदला होता, अब उस पर गोल फ्रेम था, पहले चौरस था फिर गोल था फिर ठीक है। हालदार ने सोचा कि ये अच्छा आइडिया है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, हालदार साहब ने सोचा ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, मूर्ति पर कपड़े नहीं बदल जा सकते लेकिन किंतु चश्मा बदला जा सकता है, तो उन्होंने सोचा हाँ ये अच्छा आइडिया, नए 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 प्रकार के जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर चश्मे लगाए जा सकते हैं, यानी कि क्या हुआ अगर कपड़े नहीं बदले जा सकते तो, लेकिन चश्मा तो बदला जा सकता है, बहुत अच्छी लगी, तो उन्हें जो भावना थी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। हालदार साहब ने अपनी एक बार जीप रुकवा ली और चौरा, अब उन्हें ना थोड़ी उत्सुकता हुई जानने की कि आखिरकार ये बदला क्यों जाता है, तो उन्होंने कहा कि अपनी जीप रुकवा ली और चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता, और बैठे पान वाले से पूछा उन्होंने कि मूर्ति पर चश्मे वाला कौन था, मतलब मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है, क्योंकि अब उन्हें उत्सुकता तो हुई तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता, उसने बताया कि ये जो फ्रेम है ना ये कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। हालदार साहब समझ गए कि चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए उसने अपने पास पड़े फ्रेमों से वह नूर नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। तो अब हालदार साहब समझ गए कि उसे ना नेताजी की मूर्ति जो है बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती होगी, तो इसलिए वो क्या करता होगा, डेली क्या करता होगा, उसके पास बड़े जो फ्रेमों को है उनमें से कोई भी उनमें से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब किसी ग्राहक को वैसा फ्रेम चाहिए होता है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन वह फ्रेम से, ठीक है, जब किसी को मतलब वैसा चश्मा चाहिए होता तो कैप्टन क्या करता है, वह फ्रेम मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है, यानी कि वो क्या करता है, उसे उतार लेता है फ्रेम को मूर्ति से और उस पर दूसरा लगा देता है, और उसे जो पहले उसने उतारा था वो ग्राहक को दे देता है जो उसे चाहिए होता है ग्राहक को, और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है, और मूर्ति पर क्या लगा देता है, नया फ्रेम लगा देता है, यानी कि वो कर लेता है पहले उस पर लगा देता है, फिर अब मानो ग्राहक को चाहिए वो ऐसा चश्मा तो वो उसे उतार देता है और ग्राहक को दे देता है और उस पर एक नया चश्मा जो है लगा देता है। देखा आपने अभी तक कैप्टन की कितनी ज़्यादा मतलब देशभक्ति की भावना है, बहुत ज़्यादा अच्छी देशभक्ति की जो भावना है वो कैप्टन की है। अब थोड़ा पान वाले के पास भी जान लेते पान वाला, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए, उनका कैरेक्टर स्केच कीजिए। तो पान वाले के खुद में मुंह में पान ठूसा हुआ था, अब उसे ठीक है मतलब पहले जब उन्होंने हालदार ने साहब से उससे पूछा पान वाले से तब की बात है, तो उससे पहले की बात है कि उसने अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था, वह काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, काला था मोटा था और खुशमिजाज आदमी था, उसके दांत थोड़े लाल से थे, ठीक है मतलब वो पान खाता रहता था सारा दिन। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा क्यों हंसा, क्योंकि ये अब ये जो है प्रश्न जो है पूछेंगे, अब ये जो नीचे वाला प्रश्न है ना इसके पहले बाद की बात है ये, सॉरी
उसके लिए इस जो नीचे वाला प्रश्न पूछा गया इसके बाद की बात, उसकी तौन थिरकी, अब उसकी तौन थिरकती आपको पता पान की है ना, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, अब उसने पान पीछे जाके थूक दिया, वो ऐसे ही था दिन मतलब हर समय वो पान टूसे रहता था, थूक देता था इस प्रकार से, और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, और लाल बत्तीसी दिखाकर बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है, सॉरी मैं फिर से सॉरी कहना चाहूँगा, मैंने थोड़ा पढ़ा नहीं, ये क्या है, इससे पहले की बात है कि जब वो पूछ रहे थे चश्मा क्यों बदला है ना, भी चश्मा कौन बदलता है, तो उसने बताया कि कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला जो है करता है। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, यानी कि कैप्टन हालदार साहब ने पूछना चाहा पान वाले से, जानना चाहा कि जो कैप्टन चश्मे वाला है क्या वो नेताजी का कोई साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। उसने बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, उसने बताया कि वो लंगड़ा है और वो फौज में क्या जाएगा, यह तो उसका पागलपन है, ये तो उसका क्या है, पागलपन है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, तो पान वाले को, पान वाला जैसे उसका मजाक उड़ाने लगा तो हालदार साहब को वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे उन्हें दुख हुआ, वो अच्छा नहीं लगा। कैप्टन चश्मे वाले की दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाकर चश्मे बेच रहा, उसकी दुकान नहीं थी, वो क्या करता था, एक गत्ता होता था उसके ऊपर चश्मे लगा लेता था और उसे एक डंडे से बांध, डंडे पे गत्ते को लगाकर उसके ऊपर चश्मे टांग लेता था और इस प्रकार से वो है अब चश्मे को बेचता था, उसकी दुकान नहीं थी, ठीक है भाई। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के चश्मे लगे देखे, 2 साल के बाद उन्होंने कई तरह के चश्मे लगे देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, अब क्या हुआ, हालदार साहब मतलब हालदार साहब जो है कस्बे से गुजरे तो उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थी, पान वाले की थी और चौराहे की बंद थी, इसलिए हालदार साहब को कारण का पता नहीं चला क्योंकि जब दुकानें बंद होगी तो आप पूछे किससे है ना, तो इस कारण से उन्हें हालदार साहब मतलब उसके बारे में पता नहीं चला। अब ना हमने अभी तक कितना पढ़ लिया है ना, तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एक क्वेश्चन कि पान वाला कैसा आदमी था, एक सिंपल सा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अब हम पढ़ते हैं आगे कि अब उन्होंने 2 साल के भीतर बहुत सारे चश्मे लगे, एक दिन ऐसा है कि उन्होंने उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं देखा, ठीक है, इसीलिए हालदार साहब को कारण पता नहीं चला। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, अगले दिन पान वाले से पूछा अब मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, पान वाले ने उदास स्वर में कहा कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। अब पान वाले ने उदास स्वर में कहा, पहले तो वो उसका मजाक उड़ा रहा था, अब उसे भी दुख हुआ कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, उसे उन्हें बहुत दुख हुआ, उनको भी दुख हुआ और उस पान वाले को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उस एक देशभक्त की जो भावना थी जिसमें उसकी क्या हुई है, मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो अभी तक हमने बाद में आपको एक बार फिर रिवाइज करवाऊंगा, 15 दिन के बाद कस्बे से गुजरे, अब 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरे क्योंकि हर 15 दिन जाना होता था, तो सोचा वहाँ नहीं रुकेंगे, अब सोचा कि हम वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे क्योंकि पान खाते थे, अब सोचा भी पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की और देखेंगे भी नहीं क्योंकि अब कैप्टन की मृत्यु होगा, मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, इसलिए सोचा मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं। लेकिन आधे से मजबूर चौराहा आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, अब क्योंकि डेली का काम था, ज़्यादातर काम था मूर्ति की तरफ देखते, तो ना देखने चाहते हुए भी उनकी आंखें उधर चली गई, वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। अब क्या देखा उन्होंने, एक अलग मतलब पहले तो उन्होंने कहा कि तुम उधर रोकना मत, उसका जो ड्राइवर था, ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा भी तुम वहां पर रोकना मत, लेकिन जैसे उनकी आंखें उन्होंने उस तरफ देखी तो उसे तुरंत कहा कि ब्रेक लगा, रोको गाड़ी को, उसने एकदम से ब्रेक लगाए और वो उतरे और मूर्ति के सामने जाकर क्या हुए, खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, सरकंडा क्या होता है, सरकंडे जैसे कि टहनियों से बना चश्मा था, जैसा बच्चा बना लेते, जैसे बच्चे बनाते हैं उस प्रकार का चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। यह देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई और उन्होंने सोचा कि कैसे जो है बच्चों की भी, बच्चों में भी क्या है, देशभक्ति की भावना है, इस प्रकार से उन्होंने देखा। अब एक बार रिवाइज करते हैं, कैप्टन चश्मे वाला क्या होता है कि मूर्ति बनाने का काम दिया जाता है हमारे मोतीलाल मास्टर जी को, तो उन मूर्ति पर क्या नहीं होता, चश्मा नहीं होता, तो हालदार साहब तो हर 15 दिन जाते हैं, उनमें क्या होता है, रियल चश्मा लगा होता है, पहले दिन अलग फ्रेम का, दूसरे दिन अलग फ्रेम का और तीसरे दिन अलग फ्रेम का, बाद में पहले दूसरे तीसरे दिन अलग अलग फ्रेम का चश्मा लगा हुआ होता है, तो एक दिन क्या होता है उस पर चश्मा नहीं होता, तो वो मतलब पान वाले से पूछते हैं पहले तो कौन करता है, वो बताता कैप्टन करता है, वो तो कैप्टन क्या उनका कोई साथी है, कहते नहीं वो लंगड़ा है, वो पागल क्या जाएगा, और फिर वो हमारे जो है हालदार साहब उनको ये अच्छा नहीं लगा।
ठीक है। उसके बाद और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने चश्मा नहीं देखा, पूछा पान वाले से, उस दिन तो दुकानें बंद थी। अगले दिन जब पूछा तो वो बता रहे थे कि उनकी कैप्टन की मृत्यु हो गई है। तो ये सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने सोचा अब, और फिर से जब वो 15वें फिर अगले दिन फिर 15वें दिन बाद में वो जाने लगे अपने काम के सिलसिले में, तो उन्होंने सोचा कि अब वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेगी। लेकिन मजबूरी उन्होंने उनके वो ना देखना चाहते हुए उनकी आंखें उधर उठ गए और उन्होंने एकदम से कहा अपने ड्राइवर को कि ब्रेक मारो, और वो रुके और मूर्ति की तरफ चले। वहाँ उन बच्चों ने सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति पर लगाया होता, इससे वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि बच्चों में भी क्या है, एक देशभक्ति की भावना। तो स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें देश क्या हुआ कि देशभक्ति करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम देखा हमने कि जो कैप्टन चश्मे वाला था वो कितनी मतलब देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, इसकी स्टोरी जो है मतलब ये सारा कुछ है। नेताजी का चश्मा कहानी देशभक्त कैप्टन चश्मे के बारे में, चश्मे वाले के बारे में है। यह कहानी देश के नागरिकों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाने में सहायक है। ये कहानी चश्मे वाले के माध्यम से उन देशभक्तों को योगदान को रेखांकित करती है जो अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने तरीकों से देश प्रेम करते हैं। बड़ों के साथ हमारी भावी पीढ़ी का भी योगदान इसमें रहा है। तो क्षितिज भाग दो बुक से इसका आज हम पार्ट नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। ये इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, रामवृक्ष वेनीपुरी जी द्वारा ये रचित पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे पार्ट का हम सार जो है एक वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनका हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म परिचय जानते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ, सन 1889 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के कारण इनका जीवन अभावों व कठिनाइयों में बीता। 10वीं की शिक्षा उत्तीर्ण के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए और इस कारण इन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। सन 1968 में इनका देवासन हो गया, इनकी डेथ हो गई। यह एक बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। गद्य की विविध विधाओं में लेखन में इन्होंने ख्याति अर्जित की। इनकी रचनाओं में जहां एक ओर समाज सुधार व राष्ट्र उद्धार के स्वर हैं तो दूसरी ओर बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी हैं। ये सब कुछ है इनकी वीडियो में, मतलब सब कुछ है इनके सॉरी लेखक में, ठीक है, वीडियो में नहीं लेखक में। ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मुझे तो ना गद्यखंड जो होता था ना मेरा फेवरेट होता था, काव्यखंड इतना मेरे को नहीं अच्छा लगता। काव्यखंड में तो मेरा 10th में कन्यादान जो होता था चैप्टर पूरा फेवरेट होता था, तो कन्यादान मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, मुझे आता भी था। बाकी चैप्टर मुझे इतने पसंद नहीं थे, मुझे गद्यखंड में बहुत पसंद था। और गद्यखंड में मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर रहा था नौबत खाने में इबादत और ये सारे नेताजी के चश्मे। वो गद्यखंड तो स्टोरी होता है, सभी को पता होता है। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इस पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, ठीक है, बाल गोविंद भगत। ये इसमें ना क्या हुआ, एक ना मतलब मनुष्य का वर्णन किया गया। आप देख सकते, इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति का चित्रण किया जो साधारण होते हुए भी असाधारण है। बाल गोविंद खेती करते हुए कपीर पंथी साधु थे। वे वर्षा की रिमझिम में धान रोपते हुए जहाँ गीत गाते थे और सर्दियों में प्रभात फेरियाँ और गर्मी में घरों में भक्तों के बीच पद गाते थे। और क्या करते थे, खेती करते हुए कबीर पंथ साधु थे और वर्षा के रिमझिम में धान रोपते हुए जहाँ गीत धान रोपते होते ना आपको पता कि हम ठीक है उसे उसमें गीत गाते थे और सर्दियों में प्रभात फेरियाँ और गर्मियों में घरों पर भक्तों के बीच पद गाते थे। वे सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को पखंड पर मानते थे। बाल गोविंद गृहस्थ होते भी सन्यासी जीवन रहते थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, इनमें एक क्वेश्चन आएगा कि बाल गोविंद भगत आपको आपको किस प्रकार से पता लगता है कि बाल गोविंद भगत इन सामाजिक परंपराओं और रीतियों को नहीं मानते। तो एक नंबर का दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों नहीं मानते थे, वो हम इस पूरे में पार्ट में आपको एंड में समझाऊंगा। और जब हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे ना तब बताऊंगा, उसमें आपकी एनसीईआरटी के बीच पैक एक क्वेश्चन दिया है। चलिए पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, बाल गोविंद भगत मजोल व्यक्तित्व पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे जट्टे आदमी थे। मझोले यानी कि ज़्यादा बड़ा कद भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था, ठीक थे, बीच बाज के। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की थी और बाल पक गए थे। और उनकी उम्र 60 साल के बीच ऊपर की थी और बाल पक गए थे। पक गए थे मतलब उनके बाल थोड़े गोल्डन से हो गए थे, सफ़ेद भी कह सकते हो आप उनके या फिर गोल्डन से। उनके चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी, उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी। मतलब पक कैसे गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ना वो चिपक से गए थे, इस प्रकार आप उसे कह सकते हैं पक गए थे। कमर में केवल लंगोटी पहनते थे, वो लंगोट पहनते थे और सिर पर
कबीर पंथियों की सिर्फ कनफटी टोपी, कनफटी टोपी क्या होती है, टोपी होती है बट वो कानों से फटी होती है, यानी कि कान कान उसमें बाहर रहते हैं, ठीक है। सर्दियों में ऊपर से काला कंबल ओढ़ लेते और लंगोट पहनते थे, और सर्दियों में क्या करते बस ऊपर से काला कंबल ओढ़ते थे और कुछ नहीं पहनते थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका, रामानंदन चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की बैडोल माला पहनते रहते। क्या होता था, तुलसी की जो जड़ें होती थी ना उनसे जो है माला बनती थी, और वो क्या जो है हमारे बाल गोविंद भगत वो उस माला को क्या करते थे, पहनते थे। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। वो भले ही साधु की तरह रहते थे लेकिन वो साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। उनका एक बेटा और पोतोहू थे, उनका एक बेटा था और उस पोतोहू यानी कि बेटे की वाइफ यानी कि उनकी पुत्र वहु, पुत्र वधु भी कह सकते हो उसकी, ठीक है। उसके बाद खेती बाड़ी और एक साफ़ सुथरा मकान भी था, खेती बाड़ी खेत भी थे, इनकी ज़मीन भी थी इनके पास और एक साफ़ सुथरा मकान था। वे साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे, जैसे साधु को होना चाहिए वे उस प्रकार थे, लेकिन वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थ थे। वे कबीर को साहब मानते थे, कबीर की वो भक्ति करते थे और कबीर को ही साहब मानते थे। किसी से बिना वजह झगड़ा नहीं करते थे, जब कोई काम मतलब बिना, वह पहली बार तो झगड़ा करते नहीं, इस पर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि उन्होंने झगड़ा किया था, ठीक है। खेतों से जो किसी भी चीज़ को नहीं लेते थे, किसी मतलब किसी से मतलब कोई भी चीज़ है ना उसको बिना पूछे तो वो उठाते ही नहीं थे, अगर वो कह देता नहीं तो वो फिर भी नहीं लेते थे। खेती से ज़्यादा जो भी पैदा होता, मतलब खेती से जितनी भी जितना भी अन्न वगैरह पैदा होता उसे सिर पर लाद कर पहले सांप के दरबार ले जाते। सांप को ना कबीर को वह सांप मानते थे। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बाल गोविंद के अनुसार साहब कौन है, तो ये आपका आंसर आ सकता है कबीर। तो जितनी भी कमाई होती उसे सिर पर लाद कर ले जाते और साहब के दरबार में ले जाते, ठीक है। साहब यानी कि कबीर के दरबार में ले जाते, प्रसाद के रूप में जो मिलता उसी से गुजर बसर करते थे। ऐसा नहीं मतलब मान लो आप लेके गए तो तीन चार गट्टे आप लिए और आपको दिया एक गट्टा, वो ऐसे नहीं कर भी मैंने तो आपको तीन चार दिए थे आपने तो सारे रख लिए, नहीं वो ऐसे नहीं करते थे। मतलब वो क्या करते थे, जितना बस वो उन्हें प्रसाद के रूप में मिल जाता था उससे अपना गुजारा वगैरह वो करते थे, तो नहीं कि वो इतने अच्छे आदमी थे, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध था। लेखक जो है हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी, वो लेखक मतलब जो हमारे बाल गोविंद भगत हैं उनके गीतों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, उन्हें मुग्ध था। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब लोग धान की रोपाई करते थे, धान के जब लोग रोपते थे, धान को रोपना होता था जैसे कि पंजाबी में कहते हैं झूना लगाना उस वक्त, ठीक है, तो भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। तो भगत को कोई टेंशन नहीं थी, वो गाया करते थे गाना। उन दिनों बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेट खेत में रोपानी करते अपने मधुर गानों से कानों को जंगृत जकृत करते थे। उस समय वो कहते थे बाल गोविंद भगत क्योंकि धान रोपाई करते थे, वो पूरा शरीर उनका कीचड़ से भर जाता था, फिर भी वो क्या करते थे, गाने गाते थे, मतलब मधुर गानों से अपनी जो कान है ना उनको जागृत करते थे। उनके गीतों से बच्चे औरत हलवाहे आदि सब झूमते हुए एक विशेष क्रम से अपना काम करते हुए तन्मय हो जाते थे। लेकिन जैसे ही वो गाने वगैरह मतलब पद वगैरह गाते थे, अब गानों से मतलब उनके पद वगैरह, तो यानी कि वो कबीर के पद वगैरह गाया करते थे, तो वो पद वगैरह गाते थे, उनसे क्या होता था, जो बच्चे थे औरतें थी और हलवाहे थे वो सभी का झूमते हुए मतलब वो जल्दी जल्दी काम करना चालू कर देते, इतने मतलब उनके पदों में आप कह सकते ताकत थी सब, और उनके संगीत का जादू छा जाता था, सब और उनके जो संगीत है उनका क्या छा जाता था, जादू छा जाता था। बांधों की अध्यारी में उनकी खजड़ी बज उठती थी, बांधों की अध्यारी में वो अपनी खजड़ी बजाते थे। खजड़ी एक डमरी टाइप का होता है, जैसे कि हमारा ढोल तो बड़ा होता है वो छोटी होती है, ठीक है। जब सारा संसार सन्नाटे में सोया होता तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता, यानी कि जब लोग सारे सो जाते तब वह पद गाया करते थे। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती, जैसे ही कार्तिक का महीना आता तो उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती, वे जाने कब जग कर नदी स्नान को जाते, पता ही नहीं था उनका, कोई भी टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन उनका जब वो उठते तो वो नदी स्नान के लिए जाते। लौटकर पोखर के ऊंचे बिंड पर खजड़ी लेकर बैठ जाते। पोखर लौटते हुए वो पोखर के ऊंचे ना एक बिंड हुआ करते, जैसे कि आप कह सकते हो एक ना मतलब जैसे टिब्बा टाइप कह सकते हो कुछ भी है ना, उसके ऊपर वो खजड़ी लेके बैठ जाते। वे जाने कब जग कर नदी स्नान, ठीक है। यह क्रम फागुन तक चलता, ये फागुन महीने तक चलता। गर्मियाँ क्या आती उनकी संजा के गीतों से शामशीलता हो जाती। वे घर के आंगन में आसन जमा के बैठते, ठीक है, और वह गर्मियों में घर में गाने गाए गीत पद वगैरह गाया करते थे।
जहाँ गांव के अनेक कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते थे। गांव के जो प्रेमी थे कबीर के, मतलब योगा करते थे, गांव पद वगैरह उन्हें अच्छे लगते थे, वो भी वहाँ पर आकर बैठ जाते। ताल स्वर धीरे धीरे तन मन पर हावी होने लगता। ताल जो स्वर था वो धीरे धीरे तन मन पर हावी होने लगता और बाल गोविंद से कंट्रोल नहीं होता और वो नाचने लग जाते। वो इतनी मतलब कबीर की शक्ति मानते और ठीक है, उनसे कंट्रोल नहीं होता और वो नाचने लग जाते और डमरी बजाते रहते और पद गाते रहते और नाचने लग जाते। इतने मतलब बारे में मेंशन किया गया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। उसका मतलब उनकी जो साधना का चरम है उस दिन देखने को मिला। साधना भी करते हैं तो क्या मतलब वो सारी चीज़ें जो कबीर ने कहा था वो फॉलो भी करते हैं कि नहीं? तो जिस दिन उनका बेटा मरा, जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई, उनका इकलौता बेटा सुस्त और मंदबुद्धि था। वो मंदबुद्धि और सुस्त था और उनकी मृत्यु होगी, इसलिए भगत जी उसका विशेष ख्याल रखते थे। भगत उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, उन्हें बहुत प्रेम करते थे। बड़े शौक से उसकी शादी करवाई, उसकी शादी भी बड़े शौक से करवाई। पतोहू भी बड़ी सुशील थी, पतोहू भी बहुत ज़्यादा सुशील थी, मतलब वो हर बात का उनका कहना मानती, उनका बाल गोविंद भगत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। लेखक ने जब सुना कि बाल गोविंद का बेटा मर गया, तो वह उसके घर गया, तो लेखक जो है उनके घर गया। वहाँ देखा कि बेटे को आंगन पर चटाई पर लिटाकर, सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था, यानी कि उसको चटाई पर लिटाकर दरी वगैरह पर नीचे आंगन में और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल रखा था। क्योंकि हम देखते हैं हम जब भी कोई भी मर जाता है तो हम उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। कुछ फूल उस पर बिखेरे हैं, यानी कि उसके ऊपर हम जानते हैं कपड़ा, उसके ऊपर कुछ फूल बिखेर रखे थे। बाल गोविंद उसके सामने ज़मीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? गीत गाए जा रहे थे। हम तो सोचते हैं कि हम कोई भी मर जाता हम गीत को नहीं गाते हैं, किसी भी पद वगैरह को ठीक है तो हम गाते नहीं हैं, लेकिन वो तो क्या कर रहे थे? गीत गाए जा रहे थे ठीक है। उस पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे, यानी कि वो कह रहे थे क्योंकि कबीर का मानना है, कबीर कह रहे हैं कि तुम कभी भी कोई भी मरे तो तुम उसका दुख मना मनाओ, उत्सव मनाओ। तो कबीर को वो मानते थे ठीक है। वो पतोहू को रोने के बदले क्या कह रहे थे? उत्सव मनाओ। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, यानी कि अब आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है, ये तो आनंद की बात है। तो वो कह रहे थे तुम दुख मत मनाओ, खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ कि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है और ये तो आनंद की बात है। तो ये मतलब बड़ा ही मतलब वो है ना, आप कह सकते हो ये बात है मतलब बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि जहाँ कोई भी मर जाता है तो हम उन्हें रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन ये कह रहे थे अकेले आदमी के कह रहे थे तुम उसकी खुशी मनाओ। उन्होंने बेटे की चिंता को आग में पतोहू से दिलवाई, तो एक इन्होंने ये पारंपरिक फॉलो की कि बेटे की आग को चिता को आग बहू नहीं देती, शायद मुझे पता नहीं इतना हिंदुओं का ठीक है। श्राद्ध की अवधि पूरी होती भगत ने बहू के भाई को बुलाकर आदेश दिया। और श्राद्ध के पूरे होते उन्होंने बहू के भाई को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि क्या आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना, कि इसकी इस जो है इसकी क्या करना तुम दूसरी शादी करवा दो ठीक है। पतोहू जाना नहीं चाहती, तो पतोहू क्या कहती मैं नहीं जाऊँगी, वहीं रहकर बाल गोविंद की सेवा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो यहाँ रहकर बाल गोविंद की सेवा करे। लेकिन भगत का निर्णय पक्का था, लेकिन भगत का जो डिसीजन था वो पूरा पक्का था। वे बोले कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं घर कर छोड़ कर चला जाऊँगा, और ठीक है और वो बोले कि अगर तू नहीं जाएगी ठीक है और वो बोले कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। इस दलील के आगे पतोहू की नहीं चली, और इसके आगे जो है पतोहू की नहीं चली और उसे जाना पड़ा। अब इसमें एक और सामाजिक परंपरा कि बहू को बेटी मानकर उसकी दूसरी शादी करना, ये भी उसके मतलब बाल गोविंद भगत सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते थे, ये बात भी आप कह सकते हो। बाल गोविंद मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। वे पैदल ही खंजड़ी बजाया करते थे, और 4-5 दिन की यात्रा में बाहर कुछ नहीं खाते थे। 4-5 दिन यात्रा करते और कुछ नहीं खाते थे। लंबे उपवास से लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त हो गई। चार पाँच दिन कुछ नहीं खाया तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। बुखार में भी नेम व्रत नहीं छोड़ा ठीक है, व्रत उनका था वो उन्होंने नहीं छोड़ा। लोगों ने आराम करने को कहा तो हंसकर टाल दिया, उस दिन भी संध्या में गीत गाए, गीत उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पद गाए। बोर के में लोगों ने गीत नहीं सुना।
भौर में लोगों ने गीत नहीं सुनकर सुना, तो यानी कि सुबह के टाइम या फिर रात को तो उन्होंने गीत गाए संध्या को, लेकिन सुबह के टाइम जब उन लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो भगत नहीं रहे, जाकर देखा कि वो भगत अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निर्जीव शरीर वहाँ पड़ा था, उनका जो निर्जीव यानी कि अब उस शरीर में जिसमें आत्मा नहीं है, जो अब मुर्दा शरीर है वो वहाँ पर खड़ा था, तो भगत भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पार्ट नंबर 12, लखनवी अंदाज, जिसके राइटर हैं यशपाल जी के द्वारा, ये रचित पाठ को डिस्कस करेंगे। इस पूरे पाठ का सार जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद। तो सबसे पहले यशपाल का कवि परिचय, लेखक परिचय। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया इन्होंने। वहाँ इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए, ठीक है, ये जेल भी गए क्योंकि इन्होंने भगत सिंह और उसका साथ दिया, तो उसके कारण क्या हुआ, ये जेल भी गए, ठीक है। और इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। ये यथावादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पर इन्हें साहित्य आदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी आप इसे एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ये हमारे कवि हैं। चलिए अब लखनवी अंदाज के पाठ की तरफ चलते हैं। तो लखनवी अंदाज पाठ एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें लेखक ने उस सामाजिक वर्ग पर व्यंग किया है। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिन्होंने लेखक पर ने एक चीज़ पर व्यंग किया है जो दोहरी जिंदगी जीने का आदि हो चुका है। इसमें एक ऐसे नवाब साहिब का वर्णन किया गया जो ट्रेन के सेकेंड क्लास में यात्रा करते हुए अपनी रईसी का प्रदर्शन करते हैं और खीरे में नमक मिर्च लगाकर उसे खाते ही नहीं बल्कि खून सूंघ कर उसे बाहर फेंक देते हैं। इसमें एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन है जो कि सिर्फ अपनी रईसी का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि वो खीरे को खाते नहीं, उसे बाहर फेंक देते हैं। मतलब अपने दिखा रहे हैं कि हम कितने रईसी खानदान से हैं, वो शो कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो लेखक को पास ही कहीं जाना था, पैसेंजर ट्रेन चलने को तैयार खड़ी थी पैसेंजर ट्रेन। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। क्या होता है, सेकंड क्लास में भीड़ बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए लेखक ने उसकी टिकट ली। वह आराम से खिचड़ी से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोचा गया, क्योंकि उसे लेखक को क्या करना था, कहानी लिखनी थी। तो इसी कारण वो सोचा कि मैं खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए कोई नई कहानी के बारे में सोच लूँगा और उसको लिख लूँगा। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ा, किंतु आशा के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था, ठीक है। लेखक दौड़कर, ट्रेन जाने को थी तो लेखक दौड़कर किसी डिब्बे में चढ़ गया, लेकिन वो डिब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे में एक बर्थ पर एक सज्जन बैठे थे। उस डिब्बे में एक बर्थ पर, बर्थ क्या होती है, सीट होती है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, लंबी सीट है ना, जो ट्रेन में सीट्स होती हैं उसे बर्थ कहते हैं। तो जो उस बर्थ पर कौन बैठे थे, एक सज्जन बैठे थे जो सफ़ेद पोशी लखनवी नवाब थे, जो कि सफ़ेद पोश कपड़े पहन रखे थे और वो लखनवी नवाब थे। वे आराम से पालथी मारकर बैठे थे जैसे कि हम बैठते हैं। उनके सामने तौलिए पर दो ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। उनके पास ऐसे वो बैठे हैं, मान लो ये बैठे हैं और इस प्रकार यहाँ पर जो उन्होंने खीरे रख रखे हैं, ठीक है, भाई खीरे रख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद उनका खीरा मतलब रखी चिकने खीरे। लेखक का अचानक डिब्बे में चढ़ आना उन सज्जन को बाया नहीं। लिखा जैसे भी कोई भी हमारे डिब्बे में चढ़ते हैं, हम सोचते हैं अरे वाह आ गया, हम बातें करें, हम उनके साथ बातें करते हैं, लेकिन वो उनका मन नहीं था ऐसे। वो क्या कर रहे, उन्होंने सज्जन को पाया ही नहीं। उसका असंतोष नवाब के चेहरे के से साफ झलक रहा था, मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनके डिब्बे में कोई चढ़े। इस प्रकार से उन्होंने लेखक से बातचीत करने का उत्साह नहीं दिखाया, तो लेखक भी ने भी आसमान में आंखें चुरा ली, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बोला। वो मतलब उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लेखक के डिब्बे में आ जाने से खुश नहीं है। उन्होंने लेखक से बातचीत करने का, कोई भी चढ़ाता है अपने ट्रेन में जाते हैं तो बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब वो लेखक को देखकर खुश नहीं है, और इसीलिए लेखक ने आत्मसम्मान रखने के लिए अपनी आँखें उनसे चुरा ली कि अब वो खुद तो बुला नहीं रहे, मैं खुद बुलाऊँगा तो मेरा आत्मसम्मान नीचे जाएगा। नवाब साहब ने सेकेंड क्लास का टिकट शायद इसलिए लिया था कि वह अकेले यात्रा कर सकेंगे। नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट, अब नवाब साहब के बारे में, कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया था कि शायद वो अकेले यात्रा कर सके, पर अब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करते देखे, कि उन्हें कोई भी मतलब सफ़ेद पोश में उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करते देख ले बीच वाले में, तो अब वो ये नहीं चाहते थे। खीरे भी उन्होंने वक्त काटने के लिए रखे होंगे,
खरीदे भी उन्होंने, खीरे भी उन्होंने वक्त को काटने के लिए ही रखे होंगे, लेकिन अब किसी के सामने खीरे कैसे खाएं, क्योंकि अब किसी के सामने खीरे हम नहीं खा सकते। कोई भी अब सोचेगा खीरा खीरा खा रहा है, खीरा कोई तो सैलड में खाने वाली चीज़ है। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से उनकी ओर देख रहे थे। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे और लेखक कनखी से उनकी तरफ देख रहे थे। एक आंखों से लेखक उसे तिरछी तरह से उन्हें देख रहे थे, कनखी आंखों से, क्योंकि हमने ये दंतुरित मुस्कान पाठ में पढ़ा है। नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए पूछा। अब उसके बाद नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए पूछा, नवाब साहब ने, जनाब खीरे का शौक फरमाएं। नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए पूछा, ठीक है, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। अब वो पूछते क्या खीरे खाएंगे उनका शौक। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, शुक्रिया। तब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, ठीक है, तौलिया झाड़कर उन्होंने सामने बिछा लिया और दोनों खीरे दो पोंछकर उस पर सजा लिए, मतलब उन्होंने तौलिया झाड़ा, उसके ऊपर दो खीरे पोंछकर सजा लिए। फिर चाकू निकालकर खीरों से के सिर काट दिए, उसके बाद चाकू निकाला और उससे सिर काटे और उनका जाग निकाला। जैसे हमने रगड़ने, खीरा कड़वा हो तो वो नहीं रहता। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर काटे, बड़ी सावधानी से उसे छीलकर फिर उसे काटे और जीरा मिला नमक मिर्च भूरकर तौलिए पर सजाते, उसके ऊपर क्या जीरा नमक मिर्च को उसको उसके ऊपर क्या कर दिया, बुरका, यानी कि उसके ऊपर हम नहीं बुरकते, जैसे कि नमक डालो है ना, उसके ऊपर डाल दिया। तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने का आग्रह किया। फिर उन्होंने कहा कि आप खाएंगे। लेखक ने आसमान बनाए रखने के लिए पेट खराब होने का लेखक ने क्या कहा, अभी तो याद पहले तो ऐसा कर रहा था, अभी फिर बोल रहा है। तो लेखक ने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए पेट खराब होने के कारण इच्छा ना, मतलब उनका पेट ख़राब है इसलिए उनकी इच्छा नहीं है, का कारण भाग का बहाना बना दिया कि अब मैं नहीं खा सकता, मेरा पेट ख़राब है और मेरी अब इच्छा नहीं हो रही, तो इसलिए लेखक ने उनका बहाना बना दिया, क्योंकि खुद का आत्मसम्मान भी बचाना था। नवाब साहब द्वारा खीरे सूंघ कर फेंकना नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से खीरों की फांकों को देखा, मतलब उन्होंने आंखों को उन्हें देखा पहले खीरे को और फिर उसे सूंघ कर ही बाहर फेंक दिए, ठीक है। एक लंबी सांस ली, खीरे के एक फांक को उठाकर होठों तक ले जाकर सूंघा और स्वाद के आनंद से फल के मूंद ली, और क्या कर ली, मतलब उन्होंने फिर क्या किया, फिर एक ली उसके ऊपर उसको सूंघा, ठीक है, उन्होंने मतलब खीरे की वो ली, क्या कहते हैं, फांक ली, उसे लिया और उसे सूंघा और उसे मुँह तक लेके गए और बाद में उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और एक और उसकी खुशबू से ही अपना पेट भर लिया। उन्होंने मुँह में भर आए पानी को गले से नीचे उतार दिया, मुँह में उसके ना पानी भरा है तो उन्होंने गले से नीचे उतार दिया उसे। उसके बाद उन्होंने फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसकी खुशबू ली और उसे फेंक दिया। इस प्रकार एक एक फांक को सूंघकर काल्पनिक रसावादन कर खिड़की से बाहर फेंक दे गए और उसे बाहर फेंक दे गए। खीरों की सारी फांके बाहर फेंक पर नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पूछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। खीरे की सारी फांके उन्होंने बाहर फेंक दी और तौलिए से अपने हाथ पूछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। वे मानो कह रहे हों कि खानदानी रईसों का तरीका देखो कि हम खीरे को खाते नहीं हैं। वो बता रहे हैं कि हम कितने खानदानी रईस हैं, हम खीरे खाते नहीं, उसकी खुशबू से अपना पेट भर लेते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी को और उपयोग से थक कर लेट गए। खीरे की तैयारी और उसका उपयोग किया वो, ठीक है, थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है। तभी नवाब साहब ने डकार ली, क्योंकि अब उन्होंने खुशबू से पेट भर लिया, अब डकार ली और बोले खीरा लजीज होता, खीरा क्या होता है, लजीज होता, लेकिन होता भी स्कील, ठीक है, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के स्वाद और गंध की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, कि खीरे की खुशबू से या फिर गंध से डकार, मतलब पेट भरने की जो है डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से कहानी ना क्यों नहीं बन सकती। कि अब उन्होंने सोचा कि जैसे कि उसने क्या किया, मतलब उनके फांकों को बाहर फेंकता गया ना, लेखक ने सोचा कि अब बिना पात्रों घटना कैसे के इच्छा मात्र से कहानी भी बन सकती है, इनकी कहानी भी बन सकती है। ऐसा नहीं कहानी के लिए पात्र होने चाहिए, कोई भी स्टोरी होनी चाहिए, कहीं नहीं, बिना पात्रों से बिना विचार के भी बन सकती है, ठीक है। तो अब इसको एक रिवाइज करते हैं। क्या होता है एक लखनवी अंदाज़ क्या होता है एक लखनऊ नवाब साहब होते हैं जो कि
खुराफ फोश मतलब क्या पहन के, सफ़ेद फोश पहनकर बैठे हुए पालथी मार करते हो। तो अभी लेखक उस सेकंड क्लास में डिब्बे में चढ़ते हैं कि सोचते हुए कि मैं कहानी लिखूंगा उस प्रकृति की तरफ देखकर, खिड़की से बाहर देख लूँगा। तभी नवाब साहब बैठे हुए हैं, तो नवाब साहब तो वो बड़े खुश नहीं हुए जब ठीक है अंदर है तो ठीक है। तो मतलब फिर क्या किया लेखक ने, उस अपना सामान बचाने के लिए उनसे खुद की नज़रें चुरा ली, क्योंकि अब वो खुद तो बुला नहीं रहे थे ठीक है, खुद की नज़रें चुरा ली। उसके बाद वो उसके बाद उन्होंने ठीक है पालथी मार के, उसके बाद वो खिड़की के बाहर देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, खीरे उनसे पूछा कि आप खीरे का शौक करवाएंगे, तो लेखक ने आसमान को बचाने के लिए कहा नहीं हम ठीक है शुक्रिया। उसके बाद फिर उन्होंने काट कूट कर जब तैयार की, फिर से पूछा अभी खाएंगे, वो कहते नहीं नहीं मेरा पेट ख़राब हो गया है और मेरी इच्छा नहीं है। और उन्होंने लेकर उसने क्या कर दिया, सूंघ सूंघ कर उनको बाहर फेंक दिया और ठीक है। और उससे उन्हें फिर क्या गया, डकारा गया। और फिर लेखक ने सोचा कि जब बिना खाए डकार आ सकता है उसकी खुशबू से, तो पानी बिना पात्रों विचारों के क्यों नहीं बन सकती। पाठ नंबर 14, एक कहानी यह भी जिसकी लेखिका है मनु भंडारी जी के द्वारा ये पाठ लिखा गया है। इस पूरे पाठ का सार जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस, चलिए लेखिका का बारे में थोड़ा। लेखिका मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के बानपुरा गांव में 2 अप्रैल सन 1931 में हुआ था। राजस्थान के अजमेर से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा करने के बाद बनारस विश्वविद्यालय में से स्नातक तक की शिक्षा पूरी की ठीक है पूरी की तक्षांत कुछ समय कोलकाता में अध्यापन कार्य किया। बाद में हिंदी साहित्य में MA करने के बाद पश्चात दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापन कार्य किया। सेनानिवृत्ति के बाद इन दिनों वे दिल्ली में रहकर अध्यापन कार्य कर रही हैं। इनकी रचनाओं में जहां सामाजिक जीवन में के यथार्थ का चित्रण है, वहीं स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियाँ और मानव मन की पीड़ा पूर्ण संवेदना के साथ व्यक्त की गई हैं। चलिए अब इस पार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ठीक है। चलिए एक कहानी है अभी, अभी आपको कैसा लग रहा पार्ट, एक कहानी है अभी मतलब ये भी कोई कहानी है या फिर वो है। चलिए इस पार्ट को आत्मकथात्मक कथ्यामत शैली में लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने पारिवारिक वातावरण के उन पहलुओं का चित्रित किया है जिनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ा है। इसमें उन मतलब अपने घरों के कुछ पारिवारिक वातावरण में मतलब कुछ पारिवारिक वातावरण को चित्रण किया कि उस समय पारिवारिक वातावरण कैसा था ठीक है। उन्होंने बताया कि उनके पिता इंदौर छोड़कर अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिली मकान में कैसे रहने आए। वो दिल्ली को इंदौर को छोड़कर अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले में 2 मंजिली मकान में कैसे रहने आए। उनका आर्थिक परेशानियों से भरा जीवन अजमेर में राजनीतिक पार्टियों के मध्य कैसे गुजरा और कॉलेज जीवन में लेखिका की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके उनके शीला अग्रवाल ने उनका क्या साथ दिया जिसके कारण वह साहित्यिक क्षेत्र में अपनी रुचि जगा सकी, जिसके कारण वह कुछ लिख पाई यानी कि वो साहित्य की तरफ आ पाई, हिंदी लिटरेचर की तरफ वो आ पाई। चलिए इसको पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। शुरुआत में जो लेखिका है उसके पिता इंदौर में रहा करते थे। वे संपन्न और प्रतिष्ठित होने के साथ कोमल और संवेदनशील भी थे। वे कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों से जुड़े रहते थे। वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे और मतलब समाज सुधार के जो काम होते थे उनके साथ भी वो जुड़े रहते थे। शिक्षा और समाज सेवा की उनकी विशेष रुचि को 8-10 विद्यार्थियों के सदा उनके घर रहकर पढ़ने से समझा जा सकता है, यानी कि उनकी जो शिक्षा और समाज सेवा की जो उनकी विशेष रुचि थी उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि उनके घर 8-10 विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए आया करते थे। एक बार किसी गरीबी व्यक्ति के धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंसकर अजमेर आ गए। और क्या हुआ, उन्हें फिर उनके किसी करीबी ने उन्हें धोखा दिया और उसके बाद वो आर्थिक मुसीबत आने में क्या किसी करीबी ने उनको धोखा दे दिया और फिर वो आर्थिक स्थिति से थोड़े कमज़ोर हो गए और फिर वो अजमेर आ गए। अजमेर में उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश पूरा किया। जो उनका अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी, यानी कि जो उनका डिक्शनरी चल रहा था वो पूरा किया। उन्हें उससे यश ही मिला परंतु पैसा नहीं मिला, उनसे ज़्यादा पैसा नहीं मिला, कुछ पैसा नहीं मिला। इस कारण उनकी सकारात्मक घटती चलेगी और उसने सोचा जब पैसा तो मिल नहीं रहा मैं शब्दकोश वगैरह क्यों लिखूं। और वे सदा के लिए बेहद क्रोधी, शक्की, जिद्दी और अहमवादी हो गए, क्योंकि अब उनके सकारात्मक जो पॉजिटिविटी थी वो उनकी कम होती गई और वो हमेशा से ही क्रोधी होने लगे, शक्की और जिद्दी और अहमवादी होते चले गए।
ठीक है, पहले वो कैसे थे, कोमल और संवेदनशील थे, उसके बाद अब उनका किसी उन्होंने करीबी ने उन्हें इनको धोखा दिया और क्या हो गए, किसी करीबी ने उनको धोखा दिया और उनकी जो है सकारात्मक घटती चली गई और वो सदा के लिए ही क्रोधी बन गए और वो अजमेर आ गए, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हुए, उनके बाद इनकी शब्दकोश पूरा किया तो उसके साथ उन्हें पैसा नहीं मिला तो वो उनकी सकारात्मक कम हो गई। ठीक है, तो अब एक मार्क्स से आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि लिखेगा मन्नू भंडारी, ठीक है, ऐसा आएगा मन्नू भंडारी के लेखिका, हाँ ऐसा आएगा, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर या फिर ऐसे कह सकते हैं, लेखिका के पिता अजमेर क्यों आ गए, मन्नू एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन, दो मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा, तो आपको बताना है कि उन्हें उनके करीबी से धोखा मिला इसीलिए वो आ गए। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में हुआ था, जन्म उनका कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में, परंतु उसकी यादों का सिलसिला शुरू होता है तो और उसकी यादों का जो सिलसिला है ना यहाँ से शुरू होता है, अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक दो मंजिली मकान से, यहाँ से उसका जो है यादों का सिलसिला शुरू होता है, कहाँ से, अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक दो मंजिला मकान से, उस मकान की ऊपरी मंजिल पर लेखिका के पिताजी या तो कुछ पढ़ते रहते, उस मकान की जो ऊपरली मंजिल हुआ करती थी, ऊपरली है ना दूसरी मंजिल, उस पर या तो लेखिका के पिताजी कुछ पढ़ते रहते या डिक्टेशन देते रहते, नीचे लेखिका उसके भाई बहन और माँ रहती थी, लेकिन नीचे लेखिका और उसके भाई बहन और उसकी माँ रहती थी, पाँच भाई बहनों में से वे सबसे छोटी थी, पाँच भाई बहनों में से वो सबसे छोटी थी, माँ अनपढ़ थी, माँ ज़्यादा पढ़ी मतलब माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु बच्चों की इच्छा और पति की आज्ञा का पालना करने में जुटे रहे, यानी कि जो बच्चे कहते, जिन बच्चे को मानो कोई चीज़ चाहिए होती तो वो उसे उनकी इच्छा का पालना करती थी और पति की आज्ञा का पालन करने में जुटी रहती थी। लेखिका पांच भाई बहनों में से सबसे छोटी थी, सबसे छोटी थी लेखिका, वे अपने से दो साल बड़े बहन सुशीला के साथ घर आंगन में बचपन के सारे खेल, वो मतलब लेखिका से जो दो साल बड़ी उसकी बहन थी सुशीला, वो उसके साथ हमेशा वो क्या करती थी, लेखिका उसके साथ घर के आंगन में बचपन के सारे खेल खेलते, जैसे कि सतौलिया, लंगड़ी टांग, पकड़ पकड़ाई आदि खेला करती, गुड्डियों के ब्याह भी रचाए, तो यानी कि उनके साथ वो क्या करती थी, गुड्डियों की शादी भी कराया करती थी खेल खेल में, भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग में भी उड़ाई। उन दिनों घर की सीमा पूरे मोहल्ले तक होती थी, यानी कि घर जो है बहुत बड़ा होता था, वो एक मोहल्ले जितना बड़ा होता था आप कह सकते हो। लेखिका बताती है कि आज महानगरों के यहाँ से है ना कुछ घर तो परिवार के हिस्से माने जाते थे, यानी कि ऐसा होता तीन चार घरों को एक परिवार माना जाता था, ठीक है, इस कारण उनमें जाने में मना ही नहीं थी, इस कारण से उन्हें मना नहीं किया जाता कि तुम्हें उस घर में नहीं जाना, मना नहीं किया। लेखिका बताती है कि आज महानगरों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों का जीवन कितना संकुचित और असहाय हो गया, और आज लोग क्या है गांव को छोड़कर शहरों में जाने लगे हैं और वहां पर फ्लैट में रहने लगे हैं, और जिनसे उनका जीवन जो है कितना संकुचित और असहाय हो गया है। बचपन में घर के पड़ोस की संस्कृति ने उसे इतना प्रभावित किया, बचपन के जो घर के पड़ोस थी उनकी संस्कृति ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने अपनी आरंभिक कहानियाँ उन्हीं पर लिखी, यानी कि उसने अपने परिवारों पर ही जो है आरंभिक कहानियाँ लिखी, ठीक है। वर्तमान शहरी जीवन में पड़ोस की कमी उन्हें दुखी और चिंतित बनाती है, वर्तमान में शहरी जीवन था ना उसमें पड़ोस की कमी उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित बनाती है, क्योंकि अगर पड़ोस नहीं होगा तो एंड टाइम पर कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो वो कैसे लेंगे हम। लेखिका बताती है कि पिताजी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं उनमें भी आ गई, पिताजी जैसे थे उनकी विशेषताएं आदि उनमें भी आ गई, ठीक है। लेखिका बचपन में मरियल और दुबली पतली थी, लेखिका बचपन में मरीसी थी और दुबली और पतली थी, पिता के द्वारा उससे बड़ी बहन सुशीला के गौरेपन और सुंदरता की प्रशंसा ने उन्हें हीन भावना से ग्रासित कर दिया। पिताजी क्या करते थे, उसकी बड़ी बहन थी जो कि उसके गोरेपन सुशीला थी ना वो बहुत ज़्यादा गोरी थी और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, जिसके कारण लेखिका के अंदर उसके प्रति हीन भावना ग्रासित कर दिया। परिस्थितियों को किस्मत समझने वाली माँ भी लेखिका कभी अपना आदर्श नहीं बना सकी, परिस्थितियों को किस्मत समझती थी, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं उसकी माँ उसे अपनी किस्मत समझती थी, माँ को लेखिका
कभी अपना उस माँ को लेखक अपना कभी आदर्श नहीं बना सकते। हम सोचते हैं हमारा एक होता है आदर्श कि हाँ हमें उसी जैसा बनना है, तो लेखिका उसे इस तरह नहीं बना सकी। लेखिका की बड़ी बहन की शादी लेखिका की छोटी उम्र में होने के कारण उसकी धुंधली सी याद आ गई। लेखिका की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी कब हुई थी, जब लेखिका बहुत छोटी थी, और उसकी थोड़ी सी धुंधली सी याद उसे आज याद, धुंधली सी इमेज जो है उसके अंदर बनी हुई उसे याद है। ठीक है, शीला के विवाह और भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता ने उसे रसोई में समय खराब ना कर देश दुनिया का हाल जान लेने को प्रेरित किया। शीला का विवाह हो गया, ठीक है, उसकी बहन बड़ी थी, सबसे बड़ी थी शीला, उसके बाद सुशीला, ठीक है, आप देख सकते हो सुशीला, ठीक है, सुशीला के विवाह हो गया और भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर भाई बाहर पढ़ने के लिए गाँव से बाहर चले गए। पिता ने उसे रसोई में समय खराब करने ना कर देश दुनिया का हाल जानने को प्रेरित किया। पिता ने उन्हें क्या किया कि तुम जो है घर में, ये लेखक अपनी स्टोरी बता रही है, रियल लाइफ स्टोरी कह सकते हो आप इसे, लेखक जो है मतलब उसके पिता कहते हैं कि तुम रसोई में अपना जो है वक्त है वो ज़ाया ना करो, तुम देश दुनिया का हाल जानने को, देश दुनिया में तुम घर से चार दीवारी से बाहर जाओ और देश का जो हाल है वो जानो। इनके बस पिता कितने अच्छे थे। हमारे घरों में कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ, मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा है कि लड़कियों कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ घर तक ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन लेखक के पिता के कितने उच्च विचार थे आप कह सकते हैं, कि उसके पिता ने उसे कहा कि तुम जो है घर में अपना वक्त ना जाया करो, रसोई में तुम बाहर जाओ, बाहर की, ठीक है, घर में राजनीतिक पार्टियों की बहसें को सुनकर उसमें देशभक्ति की भावना जगी। तो पिता उसके कांग्रेस में थे, तो घर में क्या होता था, राजनीतिक पार्टीज होती, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या होती थी, बहस को सुनकर जो लेखक है उसके बीच में देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका, ठीक है, सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष यानी कि उन्होंने कोई डिग्री वगैरह कर रहे थे उसमें, प्रथम वर्ष में जो हिंदी प्राध्यापिका थी वो कौन थी, शीला अग्रवाल ने लेखिका में ना केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, उसने लेखक के प्रति क्या किया, उसने पहला काम तो उसमें हिंदी साहित्य के प्रति लेखिका ने क्या, जो शीला अग्रवाल थी उसने रुचि जगाई, ठीक है, प्राध्यापिका थी वो, तो उसने जो है प्रति, मतलब हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई लेखिका में, और एक काम बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया कि तुम जो साहित्य का जो सच है ना वो जीवन में भी क्या कर लो, तुम उतार लो। सन 1946-47 की बात है, सन जब आज़ाद नहीं हुआ था, भारत अभी होने वाला था, के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। देश सेवा करने लगी वो, घरों से बाहर गई, कॉलेज में देश सेवा निभाने लगी। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगे। क्या हुआ कि लेखिका जो है बाहर भाषण देने लगी, हड़तालों जुलूसों में भाग लेने की वजह से जो कॉलेज की छात्राएं थी ना वो भी क्या होने लगी, बहिष्कार होने लगी, करने लगी कॉलेज का। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाले जाने का नोटिस देने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की। मन्नू थी, उनको क्या कर दिया, उनके जो प्रिंसिपल थे उसने उसे स्कूल से निकाल दिया कि ये तो बाहर हड़तालों में स्कूल के प्रति बहिष्कार करने लगी है। तो उसने क्या किया, उसको नोटिस तो उसने बना दिया, ठीक है, यानी कि उसको स्कूल से क्या कहते हैं आप उसे, ठीक है, बाहर निकालने से, रेस्टिगेट करने से पहले क्या किया, उसका रेस्टिगेट का नोटिस देने से पहले उसने क्या किया, उसके पिता को बुलाया और शिकायत की, ठीक है भाई। तो वे क्रोधित होने के बदले लेखक की नेतृत्व शक्ति देख गदा गद हो गए। तो वो क्रोधित हुए नहीं, होने के बदले वो लेखक का जो नेतृत्व शक्ति थी ना उसको देखकर क्या हो गए, गदा गद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के साथियों के बीच अकेले धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाषण की खबर मित्र से सुनी, क्या हुआ, एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के साथियों के बीच क्या हुआ, अकेले धारा प्रवाह ही क्रांतिकारी भाषण की जब उन्होंने खबर जो है मित्र से सुनी, तो पिता को लेखक का घर की मर्यादा लांघती थी। तो पिता ने सोचा अब लेखक का जो घर की मर्यादा लांघ रही है, क्योंकि लड़कियों को क्या होता है कि तुम्हें बाहर हड़तालों वगैरह में भाग नहीं लेना, क्योंकि वो उनकी मर्यादा के खिलाफ होता है। दूसरे मित्र से उसकी भाषण की प्रशंसा सुनकर वे गदागद भी होते। दूसरी मित्र से जब उनकी उनकी भाषण की प्रशंसा सुनी
तो वो ना मतलब बहुत फूले ना समाई। बेटी में वे अपने देखे सपने को पूरा होते देख, जो उनका सपना था ना वो अब अपनी बेटी में वो देखकर खुश होने लगे कि अब मेरा जो सपना है वो बेटी पूरा करेगी। लेखक को भी इसका एहसास था कि उसमें पिता के अनेक गुण अवगुण स्वाभाविक रूप से आ गए। लेखक को अब एहसास हुआ कि जो पिता के बहुत सारे गुण और अवगुण है ना वो लेखक के अंदर स्वाभाविकता से आ गए हैं। फिर भी पिता के स्वभाव की विशेषता विशिष्ट बनने की चाह फिर भी लेकिन पिता की विशेषता विशिष्ट बनने की चाह और सामाजिक छवि को ना बिगड़ देने और वो चाहते थे कि सामाजिक की जो छवि है ना वो ना बिगड़े के अंत विरोध को वह पूर्णतः ना समझ पाई। वो इतनी तरह पूरी नहीं समझ पाई। देश की आज़ादी की खुशी से वह फूले नहीं समाए, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वो क्या हुई, फूले नहीं समा। नंबर 16 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। ये इसके राइटर हैं यतीन्द्र मिश्र। इस पूरे पाठ का सार जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये जो नौबत खाने में इबादत पाठ है ये हमारे जो शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान बिस्मिल्ला उस्ताद बिस्मिल्ला खान के ऊपर ऊपर निर्धारित है, यानी कि उनके ऊपर लिखा गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। उनकी स्टोरी को इसमें बताया गया है कि उनकी लाइफ को बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। पहले डिस्कस करते हैं यतीन्द्र मिश्र का परिचय। साहित्य और कलाओं के सर्वदन में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में हुआ, उत्तर यूपी में अयोध्या शहर में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की, एमए किया। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के सर्वद्रण और अनशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। उनको भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ दृशात साहित्य नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन करें। आजकल वो कौन सी पत्रिका का संपादन करें, इन पत्रिका। प्रमुख रचनाएं अब तक यतीन्द्र मिश्र की 3 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। यदा कदा अयोध्या तक अन्य कविताएं ड्योडी पर अलापद। भाषा शैली, यतीन्द्र की भाषा सरल होती है, सहज होती है और प्रभावमय और प्रशासन गुणूल होती है। उनकी रचनाओं में संवेदना एवं भावुकता का अद्भुत संगम दृष्टिकोण होता है। चलिए अब पूरे बात को डिस्कस करते हैं। अमरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्ला खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। अमरुद्दीन बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ, बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम अमरुद्दीन, ठीक है, इसका बड़े भाई का नाम शुभसुद्दीन था, जो उम्र में इनसे 3 वर्ष बड़े थे, ठीक है भाई। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव के निवासी थे। इनके जो परदादा थे उस्ताद सलार हुसैन खान, वो डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्ख खान था तथा माँ मिठन थी। माँ का क्या नाम था, मिठन, ठीक है। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। 5-6 वर्ष के होने पर 5-6 वर्ष जब वे के वे हुए तो अपने गांव को छोड़कर डुमराव को ननिहाल काशी आ गए। ननिहाल यानी कि उसके नाना के घर काशी में आ गए। वहाँ उनके मामा का नाम सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे। जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वो कहाँ शहनाई बजाते थे, बालाजी के मंदिर। अब एक बार मुसलमान जो होता है वो बालाजी को आपने देखा होगा तो ये देखो सकते आप कितने वो एक मुस्लिम होकर भी एक क्या होते हैं, बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि धर्मों में आजकल कोई फ़र्क नहीं है। धर्म वैसे भी कोई फ़र्क होता ही नहीं है, ठीक है।
वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। क्या होता था, विभिन्न रियासतों, जैसे कि मुगल रियासत हो गई, ठीक है, वो अलग अलग रियासतें होती थी, तो वहाँ पर भी क्या करते थे, शहनाई, उन्हें बुलाया जाता था और ये शहनाई बजाने वहाँ पर जाया करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्ला खान बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब ननिहाल में वह 14 साल के हुए बिस्मिल्ला खान, तो उन्होंने ना बालाजी के मंदिर में अपना जो है शहनाई बजाने का रियाज जो है करना शुरू कर दिया, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ जाने का एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देती, जिससे उन्हें खुशी मिलती। उन्हें कहाँ उन्हें उन्हें वहाँ जाने का एक ऐसा रास्ता मिला जहाँ पर उन्हें रसूलन और बतूलन भाई की गीत सुनाई देती थी। वो भी क्या करते थे, गीत वगैरह गाया करते थे, तो उन्हें उन्हें उनके गीत वगैरह सुनकर बहुत अच्छे लगते थे। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई, ठीक है। और इन्होंने ये भी स्वीकार किया कि रसूलन और बतूलन भाई का जो गीत सुनकर ही मेरे अंदर प्रेम संगीत के प्रति जो है प्रेम पैदा हुआ है, ठीक है। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, भले ही वैदिक इतिहास में आपको वैदिक कल्चर में इतिहास में वैदिक हिस्ट्री में आपको शहनाई का जो है जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित है। लेकिन जो भी शुभ काम होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात ये मंगल ध्वनि का संपूरक है, इसे मंगल ध्वनि भी कह सकते हैं। बिस्मिल्ला खान ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बताया। इन्हें शहनाई से इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि ये जब 80 साल की उम्र हो गई इनकी, तब भी इन्होंने जो है अपने 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के जो सच्चे सुर है उसको पाने की प्रार्थना में बिताया, ठीक है भाई। मुहर्रम के 10 दिनों बिस्मिल्ला अपने पूरे खानदान के साथ न तो शहनाई बजाते और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते। ये मुहर्रम के 10 दिन जो है ना ही शहनाई बजाते थे पूरे खानदान के साथ और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते। आठवीं तारीख को वह शहनाई बजाते और दालमंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक बींगी आंखों से नौहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगा देते। क्या होता था कि ये फिर 8वीं तारीख को शहनाई बजाते थे और दालमंडी से फातमान की ये जगह है, इनकी 8 किलोमीटर तक ये दूरी बींगी आंखों यानी कि रोते हुए शहनाई बजाकर आंखों से नौहा बजाकर जो है निकलते हुए सबकी आंखों ये क्या करते थे, सबको रुलाते थे। यानी कि क्या होता है, ये 8 दिन रोते हुए जो है शहनाई बजाते या फिर नोहा बजा कर ये जाते थे, कहाँ तक, दाल मंडी से फातमान। ये इनकी मतलब इनका कोई होगा आपको पता नहीं। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना गीतावली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। जब उन्हें थोड़ी काम से फुर्सत मिलती थी तो वे अपने उस्ताद और अब्बा जान का काम याद कर अपनी जो पसंद का उनकी पसंद अभिनेत्री थी कौन सी, सुलोचना गीतावली, उनकी जो फिल्में उन्होंने देखी थी उनको याद किया करते थे। वे अपने बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नानक की को शहनाई बजाते हुए सुनता था, और वो अपने बचपन की घटनाओं को भी याद करते कि कैसे वो है नाना जी छुपकर नाना की जो शहनाई है उसके बारे में सुनता था, तथा बाद में उनकी मीठे शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की, ठीक है, और मतलब क्या, शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। वो मतलब अब उनकी शहनाई बजाते सुनते थे ना, तो उनको ऐसा लगता था कि वो अपनी जो है मीठी आवाज़ वाली जो शहनाई है वो नाना अपने पास रखते हैं, बाकी यहाँ रख जाते हैं। तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कौन सी मीठी है, क्योंकि अगर वो बजाते उन्हें इतना बजाना नहीं आता था तो उनसे थोड़ी सुर में मतलब सुर इतना अच्छा नहीं निकल पाता था, तो वो अपने नाना की जो शहनाई है उन्हें लगता था कि वो जानबूझकर मीठी जो आवाज़ वाली शहनाई है उसे छिपा देते हैं। तो वे उसे ढूंढने लगते और उन्हें शहनाई ना मिलती, और फिर वो कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटकर उसे दाद देते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे, बचपन के समय वो फिल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसों का मिलता था, उस समय जो 3री क्लास का टिकट होता था वो कितने का, 6 पैसों का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। 3 जनों से 2-2 रुपये ले लेते थे, 2-2 पैसे ले लेते थे, फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे और बाद में टिकट खरीदा करते थे लाइन में लगकर घंटों। बाद में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर
ठीक है, बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो अपनी जो है पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते, बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाते और कमाई करते। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते और वो सुलोचना की कोई फिल्म को ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते। और जो हमारा कुलसुम हलवाई था उसकी देसी घी वाली दुकान, ठीक है, उस पर कचौड़ी खाना वो कभी ना भूलते। देखिए, एक तो वो फिल्मों को देखना कभी ना भूलते और एक कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना वो कभी नहीं भूलते थे। ठीक है भाई, काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। काशी के जो संगीत आयोजन होता था उसमें वे अवश्य भाग लेते थे, हमेशा भाग लेते थे जब काशी में संगीत आयोजन होता था। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर हो रहा था, इनके कई वर्षों से होता था, मतलब संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती पर यह अवसर हो रहा था जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। बिस्मिल्ला खान जब काशी के बाहर भी रहते तब भी विश्वनाथ और लेकिन जब भी वो काशी से बाहर जाते, ठीक है, जब भी वो कहीं काशी से बाहर चले जाते तब भी वे अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा ली तब रहते, तब भी वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते, मतलब दूसरी कहीं जगह चल पड़े तो जिस तरफ मंदिर था उस तरफ मुंह करके वे बैठते, काशी से बाहर चले गए। मान लो वो कई बार काशी से बाहर चले जाते थे तो जिस तरफ मंदिर था उस तरफ वो मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा लेकर करते थे। गंगा काशी और शहनाई उनका जीवन थे, काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है, ये संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्ला खां के शहनाई के दोनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी, जब बिस्मिल्ला का शहनाई बजाते थे ना तो दुनिया जो है दीवानी हो जाती थी क्योंकि इतनी अच्छी जो है इनकी सुरीली शहनाई होती थी। सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देश 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहला जैसा स्वाद ना होने के कारण इन्हें कम खलती। क्या हो गया कि 2000 में क्या हुआ, 2000 के बाद जब पक्का महाल से मलाई बर्फ वाले थे जो वो चले गए तो जो देसी घी और कचौड़ी और जलेबी में पहला जैसा स्वाद नहीं होता था, ठीक है, इसलिए वो उन्हें कम भाती थी। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व प्रति चिंतित रहते थे, वो हमेशा चिंतित रहते थे कि जो नए गायक है और वादक है उनमें जो आस्था और रियाजों की वो दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। बिस्मिल्ला का हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे क्योंकि वो खुद मुस्लिम थे और खान लगता है उनके पीछे खुद मुस्लिम थे लेकिन फिर भी वो बालाजी मंदिर में अपनी शहनाई बजाते थे। तो एक उन्होंने क्या मतलब हमें दिया, हमेशा ही दो कौमों के बीच में एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली, दुनिया उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत रत्न, अनेक विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियां व संगीत नाटक आदि पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। मतलब इन्हें वो इन पुरस्कारों के नाम से वो नहीं जाने जाते, उन्हें जाना जाता है तो अपने संगीत यात्रा के नायक के रूप में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे शहनाई जानते थे, इसीलिए तो हम कहते हैं शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इसी नाम से जो है वो जाने जाते हैं। पार्ट नंबर 17 संस्कृति, ये जो है ना संस्कृति, ये लिखा है बदन आनंद कौशल्यायन कौशल्यायन जी ने इसे रचित है, इनके द्वारा रचित है ये पार्ट। ये पार्ट में हमें बेसिकली क्या पढ़ने को मिलेगा वो मैं अभी बताऊंगा, इस पार्ट का सार हम इस वीडियो में जानेंगे। इस पार्ट में हमें कवि ने बताया कि लेखक ने बताया कि हम बहुत समय यूज़ कर देते हैं कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये हमारी सभ्यता में नहीं है। तो लेखक ने बताया कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, कि सभ्यता क्या चीज़ है और संस्कृति क्या चीज़ है, इन दोनों के बीच में जो अंतर बताया ना इस लेखक ने हमें इस पाठ में बताया है। तो सबसे पहले इनका लेखक परिचय, तो भरत आनंद कौशल्यायन का जन्म अंबाला जिले के सोहाना गांव में सन 1905 में हुआ था। उनका जो बचपन का नाम हरनाम दास था, उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। बौद्ध भिक्षु के रूप में देश विदेश में भ्रमण करते हुए उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के विकास के लिए सराहनीय प्रयास किए। वे लंबे समय तक गांधी जी के साथ वर्धा में रहे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, प्रचार प्रसार किया। उनके निबंध संस्मरण क्या होता है? निबंध तो हमें पता है, संस्मरण होता है किसी चीज़ को दोबारा याद करके लिखना जो बीती हुई है, ठीक है। और यात्रा वृतांत सरल सहज और साधारण बोलचाल की भाषा में लिखे हुए हैं। 1988 में इनका निधन हो गया या फिर देहांत हो गया, ठीक है। सो ये था लेखक का परिचय। लेखक का परिचय मैं पूरा डीपली नहीं समझाता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाय चांस एक क्वेश्चन आता है, जन्म और मृत्यु आपको याद रख लीजिए, या फिर ऐसा आएगा संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। चलिए, ये पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया है। अनेक उदाहरणों के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा बताने की कोशिश की है। अनेक उदाहरण भी दिए हैं, एक आग का उदाहरण, एक सुई धागा का उदाहरण, वो देखेंगे। लेखक सभ्यता को संस्कृति का परिणाम बताते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। जो लोग संस्कृति का बंटवारा करने चाहते हैं उन्हें देखकर लेखक जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। चलिए, संस्कृति निबंध में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट किया है। बताया था मैंने इसके बीच में स्पष्ट किया कि ये हमारी सभ्यता में नहीं है, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ठीक है। ये लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत बहुत होता है कि इसे हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये लेखक के अनुसार ये दो ऐसे शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता, जिसे हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर इनके अर्थ बहुत कम समझ में आते हैं। लेकिन इनके जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा कम समझ में आते हैं। जब इनके आगे इनके विशेषण जैसे कि भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता लग जाते हैं तो इनका थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आता है, वह भी गलत सलत हो जाता है कि मतलब हमने कहा संस्कृति में नहीं है सभ्यता, तो लेकर बता रहे हैं कि लोगों को इनके बीच का जो अंतर है या फिर इनका जो अर्थ है वो समझ नहीं आता। लेकिन जब इनके आगे हम विशेषण जोड़ देते हैं जैसे कि भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तो अब इनके जो अर्थ है वो थोड़े मोटे समझ तो आते हैं लेकिन वो भी गलत सलत हो जाते हैं, इनके वो भी गलत हो जाते हैं। इन शब्दों को समझने के लिए लेखक ने दो उदाहरण दिए हैं, लेखक ने इस पाठ में दो उदाहरण दिए हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। अग्नि का उदाहरण, अब मैं आपको बता दूं कि संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है। संस्कृति होती है जो चीज़ खोज की गई है, जिसे खोजा गया है, यानी कि जिसे हमने खोजा है, जिसे हम लिख, जैसे कि अग्नि, जिसने उसे खोजा है उसके लिए वो संस्कृति है, हमारे लिए भी वो संस्कृति है, ठीक है। मान लो हमने किसी चीज़ को खोजा है तो वो संस्कृति है, और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते जाएंगे, उसमें कुछ बदलाव होते जाएंगे, उसमें कुछ डेवलपमेंट होते जाएंगे तो वो सभ्यता में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई चीज़ की जो खोज हुई है वो संस्कृति है, और अगर उसमें हम डेवलपमेंट कर करके अगली हमारी जनरेशन को दे रहे हैं तो वो क्या है, उन जनरेशन को दे रहे हैं वो संस्कृति है, जनरेशन के लिए वो संस्कृति है, क्योंकि जनरेशन नई चीज़ मिली है। लेकिन हमारे देने का और उससे लेने का जो बीच का जो टाइम है ना, उसे हम सभ्यता कहते हैं। चलिए, लेखक ने सभ्यता अग्नि का उदाहरण, लेखक ने सभ्यता संस्कृति के अर्थ को समझाने के लिए पहला उदाहरण दिया कि जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं होता तब आदमी ने अग्नि का आविष्कार किया। जब मतलब पहला उदाहरण दिया है कि जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था, यानी कि जब मानव समाज की जो अग्नि देवता है वो उसे नहीं मिला था, तो तब आदमी ने अग्नि का आविष्कार किया था। जिस आदमी ने अग्नि का आविष्कार किया होगा वह कितना आविष्कारता रहा होगा, कि जिसने तो अग्नि का आविष्कार किया वो कितना आविष्कारता रहा होगा, उस कितने आविष्कार करता होगा, ठीक है। अब उसके लिए अग्नि क्या है, संस्कृति है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ठीक है, हमारे लिए क्या है। मान लो गैस, आग को गैस स्टोव में जलाते हैं, गैस चूल्हे में, तो हमारे लिए वो है सभ्यता। सुई धागे का उदाहरण, जिस मनुष्य के दिमाग में सुई धागे की पहली बार बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिस कर उसके सिर पर छेद कर, इनके लोहे के टुकड़े को घिस दें और उसके ऊपर छेद कर दें, छेद में धागा डालकर कपड़े को दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि उसमें अगर हम धागा डाल दें तो दो जन कपड़ों को हम एक साथ सिल सकते हैं। ये कितना बड़ा आविष्कारता रहा होगा, तो वो भी कितना बड़ा आविष्कारता रहा होगा। अब उसके लिए वो क्या है, संस्कृति है, लेकिन हमारे लिए वो सभ्यता है। संस्कृति का सभ्यता का अर्थ जिस योग्यता प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ है वह विशेष ही संस्कृति है। संस्कृति का अर्थ है कि जिस प्रेरणा के बल पर या फिर जिस योग्यता के बल पर या फिर ठीक है जिस प्रवृत्ति के बल पर सुई धागे का आविष्कार किया गया है वो क्या है, हमारी संस्कृति है।
और उस संस्कृति द्वारा जो वस्तु अस्तित्व में आई है विश्व विशेष सभ्यता, और उस जो हमने उसको जो हमने आविष्कार किया है और उस संस्कृति के यानी कि संस्कृति उस संस्कृति द्वारा जो वस्तु हमारे अस्तित्व में आई है, जो हमारे पास आई है, वो क्या है? सभ्यता, या फिर उसमें डेवलपमेंट किए गए। इसीलिए जिस व्यक्ति की सोच जितनी अधिक परिष्कृत होगी, उसके द्वारा किया गया आविष्कार भी उतना ही परिष्कृत होगा तथा वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत संस्कृत होगा। यानी कि क्या कह रहा है कि जिस बंदे ने जितनी परिष्कृत होगी, मतलब वो उतनी आविष्कार परिष्कृत होगा, उसके आविष्कार भी उतने परिष्कृत होंगे, और ठीक है, वो व्यक्ति ही उतना ही संस्कृत होगा। यानी कि जो आविष्कार कर रहा है, अगर मान लो हम कोई भी चीज़ को आविष्कार कर दे, मान लो फॉर एग्जांपल हमने न्यूटन के लॉज में थोड़ा और जोड़ दिया, डेवलपमेंट कर दिया, तो वो सभ्यता हो जाएगी। लेकिन सबसे संस्कृति हमारे लिए न्यूटन ही लॉज रहेंगे, क्योंकि उसी ने पहले अस्तित्व में वो चीज़ हमारे सामने लाई थी। अब उसका एग्जांपल भी आएगा, एक संस्कृत व्यक्ति किसी चीज़ की खोज करता है, एक संस्कृत व्यक्ति होता है वो एक किसी चीज़ की खोज करता है और वह चीज़ संतान को अन्यास ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब जो संस्कृत व्यक्ति है वो तो किसी चीज़ की खोज करता है, लेकिन वो चीज़ जो है ना, वो किसी संतान को अन्यास बिना मतलब बिना ही खोज किए वगैरह प्राप्त हो जाती है। यहाँ संतान अपने पिता की तरह सभ्य भले ही बन जाए, यहाँ पर भले ही वो अपने पिता की तरह सभ्य बन जाए, यानी कि उसके पास वो उसके लिए सभ्यता है बने, किंतु वह पिता पूर्वज की तरह संस्कृत नहीं बन सकते, लेकिन उसकी तरह संस्कृत नहीं बन सकता। अब अगर वो चीज़ नहीं खोजेगा तो वो संस्कृत व्यक्ति बनेगा। ठीक है, जैसे न्यूटन एक संस्कृत मानव था, उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। गुरुत्वाकर्षण लॉज ऑफ न्यूटन के जो लॉज दिए थे हमें, है ना, ग्रेविटेशन लॉज। ठीक है, उसने उस सिद्धांत का जो है आविष्कार किया। तो यानी कि न्यूटन भी एक क्या है संस्कृत मानव था, जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। आज उस सिद्धांत से भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी परिचित नहीं है। आज उस सिद्धांत से जो फिजिक्स के सभी स्टूडेंट हैं वो परिचित ही नहीं है। उन्हें पर इंट्रो अपितु और भी अनेक बातों का ज्ञान रखते हैं, और तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उन्हें न्यूटन के लॉज का इतना पता नहीं है। ऐसे विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं, हम भले उन विद्यार्थियों को सभ्य कह सकते हैं कि पर न्यूटन जितना संस्कृत कह नहीं कह सकते, लेकिन उनसे न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। अगर वो कोई चीज़ और डिस्कवर करता है तो वो संस्कृत व्यक्ति माना जाएगा। आग के आविष्कार पीछे पेट को भरने की प्रेरणा रही होगी। आग को मतलब आविष्कार के पीछे पेट भरने की प्रेरणा रही होगी, क्यों? क्योंकि अगर मान लो, क्योंकि हमें पता है कि मतलब संस्कृति क्या होती है, वो चीज़ हम किस प्रेरणा पे या किस प्रवृत्ति के बल पर उसे आविष्कार को मतलब उसका आविष्कार कर रहे हैं, वो क्या रहती है? हमारे संस्कृति। तो यानी कि आग का आविष्कार भी किसी प्रेरणा के पीछे ही करा गया होगा, पेट भरने के लिए। क्यों? हम आग के ऊपर खाना पकाते हैं, हमारे गैस चूल्हे के ऊपर हम खाना पकाते हैं, किसके लिए? पेट भरने के लिए। इस प्रकार सुई धागे के आविष्कार पीछे शीतोष्ण से बचने और अपने शरीर को सजाने की प्रेरणा प्रमुख रही होगी, कि हाँ, हम नए नए डिज़ाइंस करेंगे सुई का से और नए नए कपड़े पहनेंगे अलग अलग प्रकार के, तो उसके पीछे भी कोई प्रेरणा रही होगी। लेखक का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, और तन पर कपड़े भी हैं, अगर उसके तन पर शरीर पर कपड़े भी हैं, तो वह रात में आकाश में तारों को देखकर निठल्ला नहीं बैठ सकता। तो वह रात में जो आकाश के तारों को देखकर ना, वह ऐसे सीधा साधा नहीं बैठ सकता। इस प्रकार का व्यक्ति तारों के रहस्य को जानने के लिए प्रयास करेगा। अब वो जानेगा कि तारे क्यों हैं, उनके रहस्य के बारे में जानने के लिए प्रयास करेगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति होगा। अगर इस प्रकार का व्यक्ति जो होगा वो सभ्यता व्यक्ति नहीं होगा, संस्कृत व्यक्ति होगा। भले ही उसने कोई चीज़ की खोज नहीं की, ठीक है, उसने कपड़े पहन, लेकिन वो उसके रहस्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहा, तो वो संस्कृत व्यक्ति है। संस्कृति का जनक वही है जो भौतिक कारणों से नहीं, संस्कृति का जनक वही है, संस्कृत व्यक्ति वही है जो भौतिक कारणों से नहीं, फिजिक्स के कारणों से नहीं, अपितु अपने अंदर की सहज जिज्ञासा के कारण ज्ञान की प्राप्ति करता है। और अपने अंदर की जो सहज भावना है, जिज्ञासा है, उनके कारण जो है ज्ञान प्राप्त कर रहा है। संस्कृति का दूसरा हिस्सा हमें ऐसे ही मनुष्यों से मिला है, संस्कृति का जो सेकंड हिस्सा है वो हमें ऐसे ही मनुष्यों से मिला है। पहला हिस्सा कौन है? जिन्होंने डिस्कवर किया। दूसरा हिस्सा
जो मतलब खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो भी संस्कृत है, भले वो सभ्यता में नहीं आते। जो अपने मुंह की ओर ले जाते हैं, ले जाते हुए कौर को दूसरे मुंह में डाल देते हैं। क्या होता है, एक मतलब हम कोई खाना खा रहे हैं, हम मान लो चावल खा रहे हैं, सामने एक भूखा अब आदमी आ जाए, ठीक है, हमने दो कौरे खा ली, दो ठीक है, दो बाइट्स खा ली, अब सामने खड़ा, अगर हम उसे एक बाइट खिला देते हैं, ठीक है, तो आगे अगर हम उसे एक बाइट खिला भी दे देते हैं, तो हमें हमें ऐसा रहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारी भूख ज़रूरी है तो उसकी भूख भी ज़रूरी है, तो हमें उसे एक और खिला दिया। तो रोगी बच्चे को गोद में लिए सारी रात माँ बैठी रहती है, ऐसा सुना जाता है। और रोगी बच्चे को माँ अपनी गोद में सारा रात ले बैठी, इस ममता तो है उसमें कि मम प्यार है उसे, प्यार है उसे बच्चे से, तभी तो लेके बैठी है, लेकिन वो इसलिए है, उसे इसलिए चुप करा रही है कि अगर वो चुप हो जाएगा तो उसकी जो तबीयत है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा सुना जाता है कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन डबल रोटी, जो रूस का भाग्य विधाता है लेनिन, वो डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था। यानी कि वो उसको जो डबल रोटी का टुकड़ा मिलता था ना, वो खुद नहीं खाता था, दूसरों को खिला देता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। कार्ल मार्क्स ने संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए उनके लिए कानून उनके लिए प्रोटेस्ट किए, उनके वगैरह लड़े ताकि उन्हें भी इक्वल राइट्स मिल पाएँ, उन्होंने अपना सारा जीवन बता दिया। सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसीलिए त्याग दिया जिसे तृष्णा के कारण लड़ती कटती मान्यता सुखी से रह के, जो सिद्धार्थ था उसने अपना क्या कर दिया, सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ था उसने अपना घर केवल इसीलिए त्याग दिया जिससे सारी जो लड़ती कटती मान्यता है ना, वो सुख से रह सके। इस कारण इसी तरह ऐसी योग्यता जो किसी महान वंश से सर्व त्याग करती है वह संस्कृति, अगर ऐसी योग्यता किसी आदमी में पाई जाती है तो वह संस्कृति है। अगर हमारे सामने मान लो भूखा आ जाए, तो अगर उसे हम एक और दे देते हैं, दो खुद खा लेते हैं और उसे एक और उसे दे देते हैं, तो वो संस्कृति है, ठीक है। और मान लो कोई रोगी बच्चा है, माँ से चुप करा रही है, उसके लिए तबीयत ठीक हो जाएगी उससे जल्दी, तो वो भी क्या है, संस्कृति है, संस्कृति, ठीक है। और मतलब जैसे कि उन्होंने, जैसे अगर हम किसी के लिए दूसरे के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो वो संस्कृति है, यानी कि दूसरे के लिए भी काम करते हैं। संस्कृति का परिणाम है सभ्यता, अब संस्कृति का ही परिणाम है सभ्यता। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने के तरीके, पहनने के तरीके, हमारे आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके कि मानो नए नए प्रकार के तरीके आ रहे हैं, कि पहले मानो कोई किसी को चाकू से मार देते थे, किसी को किसी तरीके से काट रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं जो कट मरने के तरीके हैं, वो हमारी सभ्यता है, वो संस्कृति नहीं है, ठीक है। मानव की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, उसे संस्कृति या संस्कृति क्या कहें। मान लो कि हमने कट मरने के तरीके के नए नए आत्मविनाश, यानी कि दूसरों को मारने के साधन जो है उनके नए नए आविष्कार कर दिए, जिसकी AK-47 का आविष्कार कर दिया, किसी भी गन का इस्तेमाल कर दिया, आविष्कार कर दिया कि इससे तुम लोगों के मौत के घाट उतार सकते हो, तो वो से हम क्या कहें। इस प्रकार जिन साधनों के बल पर आदमी आत्मविनाश में जुटा है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता, या फिर उसे हम मतलब जो साधनों के बल पर वो दूसरे आदमी का मतलब आत्मविनाश में जुटा, दूसरे आदमी को मारने में जुटा है, उसे हम सभ्यता कहें या असभ्यता कहें या संस्कृति कहें या असंस्कृति कहें। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट गया तो वह असंस्कृति ही होकर ही रहेगी। लेकिन अगर मान लो संस्कृति का अगर यदि कल्याण की भावना से नाता टूट गया, अगर मतलब संस्कृति का जी की जो कल्याण की भावना है उससे नाता टूट गया, तो वो क्या है, असंस्कृति है। ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता अदरक दूसरा क्या होगा, मतलब इसका परिणाम अगर वो असंस्कृति है तो इसका मतलब वो असभ्यता तो होगी ना, हम संस्कृति है तो अब असंस्कृति वो किसी के लिए थोड़ी ही ना है ना, तो मतलब अगर कल्याण की भावना से अगर संस्कृति का नाता टूट गया तो वो असंस्कृति है, और ऐसी संस्कृति के अवश्य भावी परिणाम तो असभ्यता ही होगा। हम जानते हैं संस्कृति का परिणाम होता है सभ्यता, ठीक है, तो अब उसका परिणाम असभ्यता। इसीलिए मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह कल्याणकार की उपेक्षा श्रेष्ठ ही स्थायी नहीं होती। और इसीलिए जो मानव की संस्कृति है ना, वो एक अविभाज्य वस्तु है, और इसमें जितना अंश कल्याण का है उतना अकल्याण और कल्याण का है वह अकल्याणकार की उपेक्षा श्रेष्ठ ही स्थायी नहीं होती, और उसकी जो
अकल्याणकार की जो उपेक्षा है उसमें वह श्रेष्ठ सारी नहीं होती। सॉरी। सो इस प्रकार से हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। संस्कृति क्या था, तो संस्कृति हम पूरे चैप्टर्स, अब हम क्षितिज भाग दो के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके तक प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो था, ठीक है। तो हमारे क्षितिज भाग दो बुक का जो एक्सप्लेनेशन पोर्शन है, एक्सप्लेन करने का, चैप्टर्स की रीडिंग और उनका पाठों का सार जो होता है, उनके व्याख्या करवाना, वो होता है कंप्लीट। बाकी की ठीक है, तो यानी कि क्षितिज भाग दो हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते एक तरह का। तो आपको वीडियो कैसी लगी और ये पाठ कैसा लगा आपको मुझे बताना। तो हम आपने इस पाठ से क्या सीखा, अब हम संस्कृति को फॉलो करेंगे। सभ्यता को भी फॉलो कर सकते हो, बट असंस्कृति और असभ्यता को तुम फॉलो ना करो। तो इस पार्ट से हमें यही सीखने को मिलता है। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे कर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।